राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर गौरीशंकर मंदिर में एडवोकेट इकरान शर्मा और एडवोकेट और भाजपा दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी श्वेता शर्मा के पुत्र रक्षित शर्मा को धर्मयात्रा महासंघ का उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष और रक्षित के दोस्त पीयूष को जिले का महामंत्री बनाए जाने पर एक भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया। इस सुंदरकांड का पाठ श्री श्री रोहित गोपाल सुची महाराज ने किया। कार्यक्रम में मुखर्जी नगर के बुजुर्ग, युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर में जब तक सुंदरकांड का पाठ चलता रहा, तब तक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और लास्ट में भंडारे का भी आयोजन किया। वहीं सुंदरकांड का पाठ करने आए श्री श्री रोहित गोपाल सोची महाराज ने आज के युवाओं को लेकर बात करते हुए कहा कि जहां एक तरफ आज के कुछ युवा रील्स बनाते नजर आते हैं, वहीं रक्षित जैसे युवा लोगों और आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। वहीं कार्यक्रम में आए कई दिग्गज लोगों को शॉल उड़कर और संगठन का पटका उड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने जमकर रक्षित शर्मा और उसके माता पिता श्वेता शर्मा, इकरान शर्मा की तारीफ की गई। लोगों ने तो ये भी कहा कि परिवार के संस्कार ही बच्चे की शिक्षा को दर्शाता है। रक्षित शर्मा ने धर्म यात्रा महासंघ के उत्तर पूर्वी जिले से जिला अध्यक्ष बनते ही कमान संभाल ली और कहा कि हम इस संघ के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को हिंदुत्व के लिए जागरूक करेंगे। वही एडवोकेट और भाजपा दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी श्वेता शर्मा ने धर्मयात्रा महासंघ के उनके बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने पर धन्यवाद किया और कहा कि रक्षित शर्मा इस धर्मयात्रा महासंघ के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को हिंदुत्व के लिए जगाने का काम करेंगे। वही एडवोकेट और भाजपा नेता इकरान शर्मा ने भी अपने बेटे रक्षित शर्मा को धर्मयात्रा महासंघ के उत्तर पूर्वी जिले का अध्यक्ष बनने पर धन्यवाद दिया और रक्षित शर्मा पर एक बड़ा भरोसा जताया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। रक्षित जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और पीयूष जी हमारे जिले के महामंत्री हैं और बहुत अच्छी यहाँ की एक 15 कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी टीम है। इनसे अपेक्षा है और इनका बहुत अच्छा युवकों के अंदर सम्मान भी है और उन सब के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और सब धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में इनकी युवा टीम ने और माताओं बहनों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, सांसद अधिकारी होने के नाते कि रक्षित का, पीयूष का, इन सबका मंगल हो। बाबू जी हमारे साथ में है, इनका भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतना सुंदर एक सोच समझ के ये गठन किया है। देखिए, सबसे पहले तो धर्म यात्रा महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने रक्षित को इस लायक समझा कि वो जिला अध्यक्ष बन पाए। इतने बड़े जिले की जिम्मेदारी उसको दी है, अभी वो बहुत छोटा है, पर मुझे रक्षित के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ युवाओं में, मुझे आज अच्छा लगा कि युवा इस पूरे उत्सव में उन्होंने बड़े अच्छे से भागीदारी की और बहुत इंजॉय किया। और राम नाम का नारा तो शायद आपने भी सुना होगा, बहुत अच्छे से गूंज रहा था। तो मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी हमारी आगे आके, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। हम अभी प्रेजेंट सुधारें, अगर हम अपना भविष्य नहीं सुधारेंगे तो हमारा जो मोदी जी का सपना है विश्व गुरु बनाने का, वो हम नहीं बना पाएंगे। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।